अब कुछ बात कर लें सितारों के हाल की। जी मुदस्सिर बच्चों के सितारे बाद जो कि हैं, सितारे ज़रूरी हैं, जाते जाते उसका हाल जानना भी ज़रूरी है, मुस्तकबिल क्या होने वाला है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इरफान कामिल साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मुदस्सिर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, ठीक है? ठीक ठाक माशाल्लाह। आज तो आप बड़ी तैयारी में लग रहे हैं और बड़ा जबरदस्त फ्रेम बना के बैठे हुए हैं, यहाँ से राइट लेफ्ट बैकग्राउंड में मैच हो रहा है ना एक्चुअली कपड़ों के। जी जी बिल्कुल, फ्रेम तो अल्लाह ने बना दिया। और सर्दी आपके ऊपर और सर्दी का भी एहसास आप पे नजर आ रहा है कि जनाब मौसम को थोड़ा इंजॉय भी करना। लेकिन इस वक्त लोग ये जानना चाह रहे हैं नए साल में, सबसे पहले तो क्योंकि आप सियासत के हवाले से बताते हैं सिचुएशन क्या होगी, इलेक्शन पर आपके थे बड़े तहफ़ुज़ात, लेकिन अब इलेक्शन बहरहाल अब तो टिकटों की भी तकसीम हो गई है, मामलात आगे बढ़ रहे हैं, महीने से भी कम रह गया है, तो सबसे पहले तो बताइए कि सियासी सूरत हाल कंट्रोल में चल रही है जी, सितारे क्या कह रहे हैं? जब ये साल मेरे ख्याल में हमारा जब ये साल शुरू हुआ तो काफ़ी चीज़ें जो मैं बताता रहा लोगों को टाइम टू टाइम, ज़रा डिफ़िकल्टी का साल ये स्टार्ट हुआ जी। और जिसके लिए मैंने वक्तन फवक्तन लोगों को ये भी बताया, ऑल दो वो अच्छी न्यूज़ नहीं थी लेकिन क्या करें, बताना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं लोगों को ये भी बताता हूँ कि आप इस ड्यूरेशन के अंदर किस तरह लिंगर ऑन करें, निकलें कैसे इससे आप। तो कुछ चीज़ें इसमें इस सिनेरियो में अगर आप सियासत के सिनेरियो में देखते हैं जी। तो यकीनन ये मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये साल बेसिकली जुडिशनरी का साल है, ये साल अदल का साल है, ये साल आपको बहुत सारे फैसले अदालतों के नजर आएंगे, मैक्सिमम फैसले आपको अदालतों के नजर आएंगे, जजेस के नजर आएंगे, रूल जजेस करते हैं इसके ऊपर। अब होता क्या है, सिनेरियो के अंदर मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जो हमारी इलेक्शन की डेट है, सिर्फ मुझे इससे तो कतन नहीं है, पाकिस्तान में जरूर मेरे लिए तो सब लोग बाइस एहतराम है, लेकिन हम जब सिनेरियोज देखते हैं तो उसके अंदर हम जब प्लैनेटरी मूवमेंट देखते हैं, हम उसको न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं, तो हमें कुछ चीजें डिफिकल्ट नजर आती हैं इन टर्म्स ऑफ जो डेट है इलेक्शन की, फिर दिन क्या है इलेक्शन का। तो उस हिसाब से मुझे स्टिल थोड़ा सा लगता है कि डिफिकल्टीज हो सकती हैं इलेक्शन के टाइम पर। अच्छा, लोगों को जरा सा प्रॉब्लम होगी, आपको जैसे गवर्नमेंट है वो मुझे किसी एक की बहुत ज्यादा एक उसमें नहीं बनती हुई नजर आ रही, मुझे नजर आ रहा है कि एक बहुत कोरिलेशन होगा, एक सब लोगों की एक जॉइंट वेंचर से कोई गवर्नमेंट फॉर्म होगी। इस तरह की चीजें हैं जो कि आपको आगे आगे ये जैसे जैसे, क्योंकि ये टाइम बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, ये आप देख रहे होंगे इसमें, आप डेली अल्लाह ताला बचाए बस, लेकिन आप डेली देख रहे होंगे कोई ना कोई हादसों की न्यूज ही है और इसके अलावा तो कुछ नजर ही नहीं आता। तो ये तो आप बता रहे हैं कि मुश्किल वाला मरहला, इलेक्शन होंगे भी तो भी मुश्किलात से ही दो चार मुश्किलात के साथ होंगे। सही सही। अच्छा इसमें इरफान साहब मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर आप सितारों का भी अहवाल हमें दीजिए ना, जो लोग जो आपको देख रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं कि उनका वीकेंड कैसा गुजरने वाला है, आगे आने वाला हफ्ता कैसा होगा, उनके लिए क्या बताएंगे आप? ठीक है, मैं एरीज से स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है? एरीज क्योंकि एरीज वैसे बड़े फेवरेट हैं, उनसे स्टार्ट। एक्चुअली मैं एरीज फर्स्ट और ये काउंट करता हूँ, मैं पाइसेस पे एंड करता हूँ आकर। तो मैं एरीज के लिए जब बात करता हूं तो एरीज के लिए ये जो वीक है, वीक की बात करेंगे तो ये वीक बहुत अच्छा, और स्पेशली जो आज का दिन है, थर्सडे का दिन जो है, और प्लस आज 11th of January है, तो उनको आज का दिन बहुत सपोर्ट करता है, प्लस ये वीक उनको ऑल द वे संडे तक ये वीक उनको सपोर्ट करेगा। बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो वो लेने के लिए इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं, इन टर्म्स ऑफ रिलोकेशन, इन टर्म्स ऑफ उनके अंदर ये है कि कुछ चेंज ऑफ जॉब या चेंज ऑफ प्रोफेशन करें, क्योंकि अब उनके अंदर एक चीज हो रही है कि अब डाइवर्जन करनी है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर डाइवर्जन, वो ना करें, इस वक्त स्टे करें इस चीज के ऊपर। दूसरे उनके एक्सपेंसेस इट्स ऑल राइट, फैमिली लाइफ ओके है, बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल कोई इसमें। हाँ मैं सबके लिए एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि होता है कई दफा आखिर में हमारे टाइम नहीं होता, कि इस वक्त लोग सुने ज्यादा बोलें कम। ये जो दो महीने हैं जनवरी एंड फरवरी, सिर्फ और सिर्फ लोग सुने, और अगर कहीं उनको लगता है इसके ऊपर आके कहीं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश कर रहा है, कहीं ट्रिगर हो रहा है कोई चीज, झगड़े की तरफ जा रही, खामोश हो जाए उसके ऊपर। सही, जितनी खामोशी इख्तियार करेंगे उतना तेजी से उस जगह से निकल जाएंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन होगा तो प्रॉब्लम होगा।
अच्छा एरीज के बाद हम आ जाते हैं टॉरस के ऊपर। टॉरस वालों के इरफान साहब गुजारिश एक करनी थी, बस टाइम को बैलेंस कीजिएगा कि सबके लिए उतना टाइम है। इसको करता हूं टॉरस के लिए, ये जो वीक है इट्स गुड, मैं इसको सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। अच्छा टॉरस के लिए बहुत एनर्जी है इस वक्त, उनके लिए जो काम करेंगे इस वक्त फायदा है, और जितना जिस चीज में हाथ डालेंगे इस वक्त वो उनको बेनिफिट करेगी। टॉरस के बाद हम आते हैं जेमिनाई। जेमिनाई के लिए तो इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्टिंग टाइम है ये। अच्छा, यानी अगर अच्छा। वो लोग कोई स्पेशली जो शादियों का टाइम जैसे आप कहेंगे, तो जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, भाई सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा वक्त है ये, वो लोग कर सकते हैं इसको। और अगर कोई ऐसी चीजें जो उनके प्रपोजल्स हैं पेंडिंग में, वो इस वक्त कंप्लीट होंगे। ऑल दो जेमिनाई के लिए बहुत अच्छा वक्त है ये। जेमिनाई के बाद हम कैंसेरियंस के ऊपर आ जाते हैं। जब कैंसेरियंस की हम बात करते हैं, दे आर रिलेटेड विद द मून। जो कैंसेरियंस है इस वक्त, वो इस वक्त एक एंजाइटी की कैफियत में है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, और ऑल दो उनकी हेल्थ जरा इफेक्टेड है इस ड्यूरेशन के अंदर, स्पेशली दोज पर्सन आर लिंक्ड डायरेक्टली टू द लंग्स डिजीजेस, जो फेफड़ों की जो बीमारियां होती है, इस वक्त वो बहुत ज्यादा कैंसेरियन इन चीजों से गुजर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपना मेडिटेशन को हाई करें इस वक्त, अपनी एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा रखें, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो एंजाइटी से निकल सकते हैं। कैंसेरियंस के बाद हम लियोज के ऊपर आते हैं। लियोज इस वक्त डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स, उनका जो माइंड सेट है इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर चल रहा है। अच्छा, कि वो कोई ना कोई एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। प्लस उनकी जो फैमिली लाइफ है उसके अंदर लिटिल बिट थोड़ी सी डिफिकल्टीज हैं, जो कि टाइम टू टाइम इस ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा, कई दफा बहुत ज्यादा फ्लिकर हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, आपस में जरा थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहें। लियोस के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं विर्गो के ऊपर। जब हम विर्गो की बात करते हैं, तो विर्गो इस वक्त बहुत अच्छे, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली दोज इन द फील्ड ऑफ वेजिटेबल्स ट्रेडिंग, जिनके पास सब्जियों का काम है, जिनके पास फलों का काम है, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, वो इस ट्रेडिंग से फायदा उठा सकते हैं। घर के मामला इस वक्त विर्गोस के बहुत अच्छे हैं, उनकी इनकम अच्छी है, उनके एक्सपेंसिस सेटल्ड है, विर्गो इज ऑल गुड। उसके बाद हम स्कॉर्पियोज की तरफ आते हैं। स्कॉर्पियोज इस वक्त, मोस्ट ऑफ द स्कॉर्पियोज, क्योंकि वो हमारे मीडिया रिलेटेड पर्सनैलिटीज हैं, उनके पास इस वक्त ऑप्शन अच्छे आ रहे हैं, और वो इस वक्त अगर अवेल करते हैं उन ऑप्शन को, तो उनको वो बेनिफिट करेंगे, स्पेशली दोज इन ड्रामाटाइजेशन, दोज इन जो फिल्म वगैरह रिलीज करने का, दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर वो अपने कोई मूवीज वगैरह रिलीज करते हैं, उनको इस वक्त का टाइम बेनिफिट करेगा, और ये बहुत अच्छा टाइम है उस हिसाब से कि जो उनको बेनिफिट कर सकता है। बाकी स्कॉर्पियोज वैसे ही बहुत अच्छे एक्सपेंसेस वगैरह को लेके चलते हैं, तो डोंट नीड फॉर सम लिब्रा। मिस कर दिया आपने लिब्रा। हाँ लिब्रा, एग्जैक्टली, सॉरी। तो जब हम लिब्रा की बात करते हैं, तो लिब्रा के लिए ये टाइम बहुत स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा है, क्योंकि कैप्रिकॉन एंड लिब्रा इज ऑल टूगेदर रिलेटेड विद द प्लैनेट सैटर्न एंड वीनस। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, और स्पेशली इस वक्त वो बहुत ज्यादा लिब्राज जो हैं, वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहने के लिए हैं इस वक्त। ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है, और जितना वो लोग, मैं लिब्राज के लिए एक बात स्पेशली बोलूंगा, दिस इज द राइट टाइम टू वेयर अ वाइट क्लोथिंग, स्पेशली खुशबू जितनी यूज कर सकते हैं, फ्रेग्रेंसेस जितनी यूज कर सकते हैं, वो एक पॉजिटिव एनर्जी लाएगी, उनके मूड स्विंग्स अच्छे रखेगी, और उनको उसके ऊपर गुड बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं सेजिटेरियस के ऊपर। सेजिटेरियस के लिए ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सेचुरेटेड टाइम है, इसके अंदर उनको कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, उनके एक्सपेंसेस अच्छे हैं, उनकी ट्रेवलिंग हो सकती है फॉर सम स्पिरिचुअल प्लेसेस, उनको कहीं ना कहीं विजिट करना भी चाहिए अगर उनको ऐसा ऑप्शन मिलता है, ऑल्दो उनकी चीजें बिल्कुल सेटल है। उसके बाद हम आ जाते हैं कैप्रिकॉनियन के ऊपर। उनका अपना मन चल रहा है ये कैप्रिकॉनियंस का, लेकिन क्योंकि हम जब मून साइन की बात करते हैं, हम इस वक्त बात कर रहे हैं सारे सन साइंस, लेकिन जब मून साइन की बात करते हैं, तो कई दफा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके मून साइन डिफरेंट होते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए कैप्रिकॉन, ऑल्दो उनको कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती है, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, 30 सेकंड्स हैं हमारे पास, और कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस के लिए दोनों मन बहुत अच्छे हैं, अपनी हर चीज उनकी सेटल रहेगी, कोई उनको वरी करने की जरूरत नहीं। पाइसिस के लिए सबसे बेस्ट ये है कि पाइसिस के लिए टाइम बहुत अच्छा है, स्पेशली दोज पर्सन जो न्यूली मैरिड हैं,
वो इस वक्त दिस इज द राइट टाइम, आई मीन मैं उनको गुड न्यूज मिल सकती है इस ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि ये सैटर्न का टाइम है, उनको बहुत सपोर्ट करती है ये चीज, तो उनको टर्म्स ऑफ ये जिसके लिए कौन सा क्या मामला अच्छा है और किसके लिए क्या एहतियात है, वो आज हमने कोशिश की इरफान कामिल साहब, वक्त की भी कमी तेजी के साथ हमने मुकम्मल भी कर लिया। आपका शुक्रिया इरफान कामिल साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।